गाइस वेलकम बैक टू रितिकास डायरीज। तो आज हम आ चुके हैं मेरी जगह पे, मतलब मेरे घर पे, बॉमडिला पे, और ये है मेरी बहन। आप इसका भी चैनल है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन पे। अभी मैं पहले बता देती हूँ, अभी का टेम्परेचर है 3 degrees, एक्सट्रीम, बहुत एक्सट्रीम कोल्ड है। देख सकते हो आप मेरे मेरा आउटफिट, अंदर पे 2-3 कपड़े और हैं ठंडे। आप देख सकते हो फोग, हमें हमारे मुंह से धुआं निकल रहा है। तो अब हम कल आए एक्चुअली, पर कल बहुत रात हो गई थी तो मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। आज से मैं ब्लॉगिंग शुरू करने वाली हूँ। तो आज जो जगह हम एक्सप्लोर करने वाले हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी, तो चलिए मेरे साथ। जितनी भी ठंड हो एक्सप्लोर तो हम करेंगे ही, 3 दिन है हमारे पास, बस उसमें घूमना है। वो मेरी पागल बहन, सांस फूल रहा है, बहुत दिनों पर सीरिया चल रही हूँ, एग्जॉस्टिंग है। आपने मेरा लोहागढ़ फोर्ट वाला वीडियो देखा होगा, तब मैंने बोला था कि इन सारी सीढ़ियों का मुझे हैबिट नहीं है। तो सच्ची बात हैबिट तो बिल्कुल नहीं है। मैंने बोला था मेरे हस्बैंड को कि प्लेन रास्ते से चलेंगे, पर इनको एडवेंचर करना था, मेरे को सीढ़ी से ले आए। चलो अभी आगे बढ़ो कैमरा मैन। तो हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे, वो रहा हमारा डेस्टिनेशन, अब हम उसको एंटर करेंगे। चलिए गाइस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, अगर आपको कैमरा धुआं लग रहा होगा तो ये फॉग की वजह से है, तो प्लीज़ बेयर विद अस। अब मैं आपको जो दिखाने वाली हूँ, आप मेरे पहले वाले ब्लॉग पे भी देख सकते हो, इट्स नॉट फॉर पब्लिसिटी, मेरे वीडियोस को मैं प्रमोट नहीं कर रही, जस्ट ये बता रही हूँ क्योंकि ये एक कोइंसिडेंस हो गया है। तो मैंने जो आपको छत्रपति शिवाजी म्यूजियम का जो ब्लॉग था मेरा, उस पे जो मैंने प्रेयर व्हील्स दिखाया था, एग्जैक्टली मैं यहाँ पर आपको प्रेयर व्हील्स दिखाऊंगी, लेकिन वहाँ पे एक आप बोल सकते हो एक एक्सट्रैक्ट था, क्योंकि दैट वाज म्यूजियम, और यहाँ पे जो है वो बिल्कुल रियल है। तो हम इसको इंजॉय करते हैं। ये जो है एक होली चांट है, ठीक है, तो हम ओम माने पे में। सो गाइस, अब हम इसको चांट कर करके इस प्रेयर व्हील्स को, अब देख सकते हो इसको बोलते हैं प्रेयर व्हील, हम इसको घुमाएंगे इन सर्कुलर डायरेक्शन। यहाँ पर दो चीज़ें, एक क्लॉकवाइज जाएगा, एक एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, ये इसको बोलते हैं पानी डुंगियो। सो दिस इज ऑल्सो अ प्रेयर व्हील बट मच लार्जर इन साइज, इट इज वेरी बिग, वेरी ह्यूज। इसको हम 7 times घुमाएंगे। ये तो फिर मेरे और एक ब्लॉग में आ था, सब ब्लॉग में ही सारे थे मेरे, गोल्डन विपासा वाले ब्लॉग में था। यहाँ पे ऊपर में आप देख सकते हो एक घंटी है, ये आपको बताते रहेगा कितने बार आपने किया। मेन एंट्रेंस पे जहाँ पर बुद्धा का फोटो है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, हर टाइम ये खुला नहीं होता है, तो वी हैव टू आस्क, अगर अभी खुल वो ओपन है तो हम जाएंगे। सो गाइस, ये रहा अंदर का व्यू। सेंटर पे हिज होलीनेस द 14 दलाई लामा का पिक्चर दिया हुआ है, एंड फिलहाल इस एरिया को बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेट किया गया है, क्योंकि लोसर आने वाला है, द बुद्धिस्ट न्यू ईयर। वेरी कोल्ड। सो गाइस,
अब मैं बुद्धा पार्क जाने वाली हूँ, तो हम शॉर्टकट जाएंगे सीधे से। अब ये तीसरा सीढ़ी है, हम लॉन्ग कट जा सकते हैं बट बहुत लेट हो जाएगा, तो सीढ़ी से चलते हैं। भले ही मेरा सांस बहुत फूल रहा है बट लेट्स एक्सपीरियंस दिस। ये मेरा थर्ड सीढ़ी है अभी और स्टेप्स तो अनकाउंटेबल है। स्टेप्स काउंट करेंगे अब से। तो गाइस, दिस इज़ अनदर ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ बॉमडिला। यहाँ पर जैसे कोई फंक्शन वगैरह होता है सो ये सारे होते हैं यहाँ पर, और आप चिल कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। हम पहले स्कूल से आते थे यहाँ पर, अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ चिल करते थे यहाँ पर। तो आज मैं अपने बहन के साथ और अपने हस्बैंड के साथ चिल करूँगी। चलिए जो हमने लोगों पर देखा है एग्जैक्टली सेम है। और यहाँ पर जो सामने प्रेयर व्हील्स है ये भी एग्जैक्ट है जो हमने लोगों पर देखा है। गाइस, मैं यही से आपको और एक प्लेस दिखा दूंगी, आइए जाएंगे हम वहाँ पर भी अगर टाइम होता है तो। अभी के लिए यही से देख लीजिए, बॉमडिला का ग्राउंड है। यहाँ पर मार्च पास्ट, कोई भी फंक्शन, हर कुछ हेल्ड होता है यही। गाइस, यहाँ पर आ गए तो हम अब सोच सकते हो कि गाइस हम यहाँ पर आना, यू कैन से कि हम यहाँ पर बॉमडिला के टॉप पे हैं, क्योंकि आप वहाँ पर देख सकते हो वहाँ पर सारे बॉर्डर्स के कैंप है, देख सकते हो ना, तो वो एंडिंग है बोल सकते हो। तो हम बहुत ऊपर है अभी।